हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। प्रकाशी में हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अपवर्तन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तांक पहले माध्यम में जो कोण बनता है आपतन कोण साइन आई अपान साइन आर के अनुपात के बराबर रहता है। यही पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर भी होता है। ये अगर पहला माध्यम मान लिया हवा है या निर्वात है, उसमें प्रकाश की चाल है, और ये वो माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल वीएम है, या इनकी तरंग लंबाइयों के अनुपात के बराबर भी होता है। और अगर क्रांतिक कोण पर अपवर्तन हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो ही अपवर्तन बराबर होता है 1/sin c। और अगर मान लीजिए कोई कांच का गुटका है या किसी बर्तन में भरा हुआ पानी है, तो उसकी वास्तविक मोटाई या वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात भी अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, जिससे थोड़ा आइडिया हो कि इसके किस तरह के न्यूमेरिकल्स और कैसे किए जा सकते हैं। ये हमने सूत्रों को यहाँ सभी को एक जगह लिखा, और इसमें कौन क्या चीज़ है उसको भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें ये प्रश्न, किसी बर्तन में 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है, ऊपर से देखने पर तली में पड़ा सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा बर्तन है, यहां पर ये द्रव भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा है, यानी इस द्रव की जो वास्तविक गहराई है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर ये इसकी वास्तविक गहराई है, जिसको हम कहते हैं h। तो द्रव की वास्तविक गहराई h बराबर 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहां पर कोई सिक्का है, ये सिक्का है, और इसको जब हम देखेंगे तो इस सिक्के का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, ऊपर उठ जाता है, इसका प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा, तो ये इसका ये प्रतिबिंब है जो यहां कहीं बनता है, ये इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इस सिक्के का प्रतिबिंब है, और सिक्के की जो ऊपर से गहराई है इसे हम आभासी गहराई कहते हैं h-, ये आभासी गहराई है, जहां पर इसकी गहराई उठी हुई दिखती है, जहां पर इसका पैदा दिखाई देता है, जहां पर इसके तली का प्रतिबिंब बनता है। तली की वास्तविक गहराई 10 सेंटीमीटर है h, लेकिन तली का आभासी गहराई कितनी है, हमने एक सिक्का पड़ा हुआ है उसका प्रतिबिंब जहाँ दिखता है जितनी गहराई में उसकी आभासी गहराई है। तो द्रव की आभासी गहराई h-, ये है h-, पूछा है कि सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हमको ये दूरी यहाँ से यहाँ तक पता लगानी है, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी हमको y का मान पता लगाना है। स्पष्ट है कि y बराबर हो जाएगा h-h-, तो हम पहले h- का मान निकाल लेते हैं। चूंकि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई
आभास, आपान आभासी गहराई, अपवर्तनांक बर्तन में जल भरा है, जल का है 4/3, यच बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसलिए यच डैश, बराबर 10 × 3/4, ये बराबर हुआ 2.5 × 3, 7.5। सेवन पॉइंट फाइव इसकी आभासी गहराई है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो 7.5 पर ऊपर से नीचे बनता है, तो वास्तविक जो इसकी जो सिक्का था वो तो 10 सेंटीमीटर पर था, तो कितना उठ गया ये पूछा है, सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, इसीलिए वाई इज इक्वल टू एच माइनस एच डैश 10 सेंटीमीटर माइनस 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अतः सिक्का जो उसकी तली में है, सिक्का 2.5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। यह है इस क्वेश्चन का जवाब। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वायु में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 अंगस्ट्रोम दी है, वायु में या निर्वात में तरंग दैर्ध्य लेमडा ये दिया है, लेमडा बराबर 6000 अंगस्ट्रोम, और लेमडा यम ज्ञात करना, माध्यम में यानी कांच में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। इतना ही नहीं, सी का मान हमें ज्ञात है, वायु में सी बराबर 3 × 10⁻¹ m/s, और माध्यम में चाल ज्ञात करनी है, वी एम का मान निकालना है, और आवृत्ति निकालनी है, आवृत्ति वायु में कांच का अपवर्तनांक 3/2 या 1.5, म्यू इज इक्वल टू लेमडा अपान लेमडा एम, और इसीलिए लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा अपान म्यू। लेमडा का मान दिया है 6000 अंगस्ट्रोम, और म्यू का मान है 1.5। और इसलिए इसका मान आया
4000 अंगस्ट्रॉम। तो उस कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 4000 अंगस्ट्रॉम। इसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल दी है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। इसी प्रकार म्यू बराबर सी अपान माध्यम में चाल, और इसलिए माध्यम में चाल बराबर सी अपान म्यू। सी बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड अपान 1.5, जो बराबर आया 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वीएम का मान है, ये उस माध्यम में चाल है। आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति में ये नहीं पूछा कि उस माध्यम में आवृत्ति या वायु में आवृत्ति। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी तरंग लंबाई बदलती है, उसकी चाल बदलती है, उसका फेज, उसकी कला और उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आवृत्ति चाहे हम निर्वात में निकालें और चाहे उस माध्यम में निकालें, आवृत्ति वही आएगी। हम निर्वात में भी निकाल सकते हैं या वायु में निकाल सकते हैं, क्योंकि वायु या निर्वात में भी हमको तरंग दैर्ध्य का पता है, चाल का पता है, और माध्यम में भी हमको चाल का भी पता है और तरंग दैर्ध्य का भी पता है, तो हम दोनों में ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम आवृत्ति निकालते हैं। आवृत्ति न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, सी अपान लैम्डा। सी इक्वल टू 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, एंड लैम्डा इक्वल टू, ये वायु या निर्वात की चाल है या वायु व निर्वात की तरंग लंबाई भी चाहिए, वो है 6000 अंगस्ट्रॉम 10⁻¹¹। अभी आपका हो गया। इज इक्वल टू 3 से कट जाएगा। टेन टू दी पावर 8, 1, 2, 3 0 यहाँ नीचे से इसमें कट गए, तो 10⁻¹¹ बचा, 10 में से 3 गए 7 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बचा 10⁻¹⁵ और नीचे आएगा 2। हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0.5×10⁻¹⁵ हर्ट्स। ये इसकी हो गई आवृत्ति। अतः जो हमें ज्ञात करना है वो हमने यह ज्ञात कर लिया, अर्थात लैम्डा एम माध्यम में तरंग लंबाई लैम्डा एम माध्यम में तरंग दैर्ध्य
लंबडायम 4,000 अंगस्ट्रा, माध्यम में चाल चाल वीएम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड आवृत्ति तथा माध्यम तथा आवृत्ति। अब आवृत्ति तो माध्यम में या वायु में सब जगह उस प्रकाश की वही रहेगी। आवृत्ति न्यू इक्वल टू 0.5 × 10⁵ हर्ट्ज। यही है इसकी गणना। आइए और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 24 सेंटीमीटर गहरे जल भरे हुए टैंक की तली में एक स्रोत बिंदु प्रकाश स्रोत है। यह स्रोत यस यह बिंदु प्रकाश स्रोत है, यह स्रोत है। इसकी यहां से यहां तक जो गहराई है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। अधिक से अधिक प्रकाश इतने क्षेत्रफल में, ये जो सर्कुलर एरिया आ रहा है, वृत्ताकार एरिया आ रहा है, जब ये किरण यहाँ क्रांति कोण पर पड़ेगी तो फिर ये इसके इसको ग्रेस करती हुई, यानी ये सर्पी स्थिति में इसको छूती हुई निकल जाएगी। अगर इससे यहाँ किरण आएगी तो वो उसका आंतरिक कोण परिवर्तन हो जाएगा, अगर इधर किरण होगी तो उधर चली जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक एरिया या अधिक से अधिक क्षेत्रफल यही है इसका, यही त्रिज्या आर मालूम हो जाए तो वह क्षेत्रफल जिससे प्रकाश बाहर निकलता है यह वृत्ताकार क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। हमें इस त्रिज्या को मालूम कर लें तो ये एरिया हमको ज्ञात हो जाएगा, और इसी एरिया ये मैक्सिमम एरिया है जिससे कि प्रकाश ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसके आगे जब पड़ेगा तब तो आंतरिक पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, अंदर चला आएगा। इसके पहले प्रकाश ऊपर सीधा जाएगा। अधिक से अधिक ये है जहाँ तक कि क्षेत्रफल से प्रकाश बाहर निकलता हुआ हमको दिखाई पड़ेगा। तो इस स्थिति में अगर आप ध्यान से देखें तो इस ए बिंदु पर आप देखिए तो क्रांति कोण की स्थिति में चूंकि अधिकतम क्षेत्रफल के लिए प्रकाश क्रांतिक कोण पर पड़ता है, अतः अपवर्तनांक पानी है ये जल, अतः 4/3 यानी म्यू, अतः म्यू इक्वल टू 1/sin c, म्यू इक्वल टू 1/sin c या साइन सी यानी क्रांतिक कोण, और इसीलिए साइन सी इक्वल टू 1/μ, 1/μ 1/ और म्यू इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 3/4, जहां सी क्रांतिक कोण है
जहां सी क्रांतिक कोण है। यहां पर साइन सी यदि ये सी है तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण यानी 3/4। तो ये है आपका 3 और ये है आपका 4 और इसलिए ये आपका आधार हो जाएगा 16 - 9 अंडर रूट। और इसलिए टैन सी इज इक्वल टू 3/7। टैन सी इज इक्वल टू 3/√7। त्रिभुज चित्र में देखिए, त्रिभुज ए यस ओ से यस ओ यस ओ ए से इस त्रिभुज में देखिए ये सी है और यही कोण इसके बराबर है यानी ये भी सी के बराबर है, ये कोण भी सी के बराबर है। ये इसको अगर हम थीटा मान लें तो टैन थीटा बराबर लंब लंब बटा आधार यानी आर अपान यच। यह है यच इसकी ऊंचाई आर अपान यच। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू है सी एकांतर कोण, थीटा बराबर सी एकांतर कोण और इसलिए आर इज इक्वल टू एच टैन सी। एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, यच का मान है 24 सेंटीमीटर और हम टैन सी का मान निकाल चुके हैं 3/√7। तो आर बराबर यच टैन सी यानी 24 3/√7। जब हमको आर का मान मालूम हो गया तो वो एरिया जिससे प्रकाश निर्गत होता है इसलिए पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ए इज इक्वल टू पाई 3.14 इंटू आर 24 3/√7 इंटू √7। इसकी गणना करते हैं तो आता है 7
चौबीस चौको 96, 24 दूना 48, 957 और इंटू 9, इससे इसको काट दिया, ये आता है 0.4 0.449। अब इसको 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4041 इंटू 576। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसको दशमलव के बाद चार अंक गुणा भी करेंगे तो बहुत वैल्यू नहीं आएगी, इसका मान आएगा 4 6 या, इसलिए क्षेत्रफल जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा वो बराबर आया 1 2 3 4 0.23 meter square। दिस इज द एरिया, यही वो क्षेत्रफल है जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा, ये एरिया इसका, ये जो पूरा एरिया है ये एरिया बराबर आएगा 0.23 meter square। क्वेश्चन और भी है, ये चित्र है, ये चित्र में एक छड़ है वायु में रखी है, वायु के सापेक्ष प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाया गया है और इसके सापेक्ष ये आपका छड़ जो है ये वायु में है, ये वायु है बाहर, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दिया है 2/√3 छड़ का। किरण यहाँ से थीटा कोण पर आपतित होती है, फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद ये क्रांतिक कोण पर पड़ती है, यहाँ पर ये क्रांतिक कोण पर पड़ती है, क्रिटिकल एंगल पड़ती है, क्योंकि इसका अपवर्तन कोण 90 अंश है। तो इस ए बिंदु पर अगर हम ध्यान दें, पहले यहीं से देखते हैं ए बिंदु पर, तो इस छड़ का जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक, हम इसके अपवर्तनांक को अगर ध्यान से देखें तो छड़ का अपवर्तनांक n ये बराबर है 1/sin C, इतना होता ही n बराबर 1/sin C।
अब यहां देखें, हमें यहां पर देखें सी बराबर है 90-R, ये तो 90 है। इस त्रिभुज में देखें ए बी ओ में, ए बी ओ में यही देख लें, त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में सी इज इक्वल टू 90-R। सी इज इक्वल टू 90-R, या कह सकते हैं R बराबर 90-, या R का ही मान निकाल लें, में R इज इक्वल टू 90-C। 90 में से C को घटाइए तो R आ जाए, R बराबर 90-C, राइट। और इसीलिए अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन थीटा अपान साइन r, साइन थीटा अपान साइन r। n का मान ये दिया हुआ है, n का मान तो पता ही हमको, n बराबर है 2/√3 साइन थीटा अपान साइन आर, और साइन आर बराबर है 90-C। यह साइन 90-C, साइन 90-C और इसीलिए साइन थीटा 2/√3 साइन 90-C बराबर कॉस सी, साइन 90-C बराबर कॉस सी। और इस कॉस सी का मान हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, यहां इसको अगर हम सी मानते हैं और साइन सी का मान बराबर है 1/n, साइन सी दिया हुआ है, n बराबर 1/sin C, या यहीं से हम साइन सी बराबर 1/n, 1/n का मतलब है n का मान दिया है 2/√3, तो 2/√3 तो 3/√3/2, ये साइन सी का मान आ गया। जब ये साइन सी का मान आ गया तो दो तरीका है, एक तरीका है इससे निकालने, दूसरा तरीका है कि हम यहीं से सी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, राइट, चाहे इससे निकाल लें और चाहे यहीं से हम निकाल सकते हैं, यहीं से साइन सी बराबर इतना, यानी सी इज इक्वल टू √3/2, तो सी इज इक्वल टू 60°। जब C बराबर 60° हमें मालूम हो गया तो हमने यहाँ cos C का मान रख दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।